अपने जन्मदिन के मौके पर ऋतिक रोशन ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। ये है इस साल आने वाली मसाला एक्शन फिल्म विक्रम वेधा से उनका पहला लुक, जिसे उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में फिल्म से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको पता नहीं होंगी। सबसे पहले ऋतिक के लुक पर जरा गौर करते हैं। इस पोस्टर में ऋतिक रोशन का लुक साउथ के वेधा से बिल्कुल अलग दिखाई दिया है, और ये तो पहला लुक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन चार अलग अलग लुक में नजर आएंगे, जिसमें ये पहला लुक है। इस पहले लुक में ऋतिक हार्डकोर एक्शन सीन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक खास तरह का कुर्ता पहन रखा है, उनके माथे से खून निकल रहा है। कुर्ते की बात करें तो ये कुर्ता लखनऊ की चिकनकारी का कुर्ता है। ऐसे में सबसे पहली बात, इस बार वेधा यूपी का गैंगस्टर बना है, और खबरें हैं कि ये किरदार बनारस से बिलोंग करने वाला दिखाया गया है। ऋतिक के लुक के साथ काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उन्हें यंग वेधा से लेकर क्राइम की दुनिया में धाक जमाते हुए वेधा के फॉर्म में दिखाया जाएगा। खुद ऋतिक भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि धूम 2 के बाद ये पहली बार होगा जब वो एक नेगेटिव किरदार को निभाने जा रहे हैं। इस लुक के बाद जो आने वाला लुक होगा वो शायद बनारसी लुक हो सकता है, या दुबई का सोफिस्टिकेटेड गैंगस्टर वाला लुक हो सकता है। वो ऐसे कपड़े पहने नजर आ सकते हैं जिनमें अक्सर बनारस के युवा नजर आते हैं। हो सकता है कि करियर में पहली बार ऋतिक रोशन लुंगी पहने भी दिखाई दे जाए। इस फिल्म में विक्रम बने हैं सैफ अली खान, जो कि एक इंटेलिजेंट पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं। वहीं राधिका आप्टे वेधा की वकील के रोल में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि राधिका आप्टे वेधा की वकील होने के साथ साथ पुलिस वाले विक्रम यानी सैफ अली खान की वाइफ के रोल में भी दिखाई देंगी। वहीं यंग एक्टर रोहित सराफ ऋतिक रोशन के छोटे भाई के रोल में दिखाई देंगे। वहीं फैमिली मैन से चर्चा में आए एक्टर शारिब हाशमी का भी फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। विक्रम वेधा की शूटिंग मुंबई, लखनऊ, बनारस और दुबई में हो रही है, जिसमें दुबई और लखनऊ का शेड्यूल लगभग पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या विजय सेतुपति जैसा धमाका ऋतिक रोशन कर पाएंगे। तो अगर ऋतिक के करियर को देखें तो उन्होंने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया है। जब उनका नाम पहली बार अकबर के रोल के लिए सामने आया था, तब भी सवाल उठे थे कि क्या वो पृथ्वीराज कपूर जैसा जादू कर पाएंगे। मगर जब फिल्म सामने आई तो ऋतिक की उर्दू सुन बड़े बड़े दिग्गज भी दंग रह गए। यही नहीं, जब करियर में एक मौके पर बिग बी की आइकॉनिक फिल्म अग्निपथ के रीमेक में विजय दीनानाथ चौहान का रोल निभाने की बात आई, तब भी ऋतिक पर सवाल उठने लगे। लेकिन जब नया विजय दीनानाथ चौहान बड़े पर्दे पर आया तो फिल्म बनी हाईएस्ट ग्रॉसर। वहीं हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक को ओरिजिनल फिल्म बनाने वाले पुष्कर गायत्री की जोड़ी बना रही है। ऐसे में यह तय है कि वो अपनी ओरिजिनल फिल्म से बहुत कुछ अलग दिखाने वाले हैं। साथ ही वो जानते हैं कि तुलना तो होनी है, ऐसे में उनका वेधा पुराने वेधा से बिल्कुल अलग होना चाहिए। वैसे आप भी अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है कि विजय सेतुपति के रोल से अलग ऋतिक अपना जादू दिखा पाएंगे या नहीं।